अब सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि ये दो तरीके से जनन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। एक ही तरीके से हो जाता, जनन काम चल जाता, ठीक है ना। क्यों पड़ी? सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि अलैंगिक जनन है और कितना ईजी है। एक ही जीव से एक टुकड़ा काटा, उससे नया जीव बन गया, जैसे कि कायिक प्रवर्धन होता है। कोई जीव है उसको अलग अलग टुकड़ों में काट दो, सारे के सारे टुकड़े अलग जीव बन जाएंगे। यानी यहाँ से इस ममता को उठाता और इसके टुकड़े कर देता और कितनी सारी ममताएं बन जाती है ना, बनती कि नहीं। कितना इजी तरीका है, होना चाहिए था ऐसा ही। लेकिन इस अलैंगिक जनन की कुछ कमियाँ थी जिसकी वजह से लैंगिक जनन है वो जीवों ने स्टार्ट किया होगा कभी पुराने टाइम में, ठीक है ना। तो सबसे पहली इसकी कमी थी वो यही कि अलैंगिक जनन है, उसके अंदर जो नया जीव उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो उसी की कोशिका के अंदर डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए की प्रतिकृति बनती है, और फिर वो केंद्रक विभाजन होकर और नया जीव बन जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो नया जीव बनता है उसके अंदर और जो जिससे वो बना है यानी उनके जो माता पिता है उसके अंदर बहुत सारी समानताएँ होती है, विभिन्नताएँ नहीं होती, ठीक है ना। मतलब जैसा उसका उसके पेरेंट्स है बिल्कुल वैसा ही वो होगा। यानी उसके पेरेंट्स अगर गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं तो उनका बच्चा है वो भी पेरेंट वो भी गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। ये होती है समानताएं। और अगर विभिन्नता होती तो क्या पता चांसेस होते कि वो बच्चा है वो बच जाता और वो जो पेरेंट्स है वो मर जाते, या पेरेंट्स बच जाते और बच्चा मर जाता। क्योंकि अगर अलग अलग कंडीशन के अंदर जीने लायक वो हो तो, है ना। ये होता है विभिन्नताओं का फ़ायदा। ये हम जैसे ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने अच्छे से कर लिया था कि विभिन्नताएं जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही फायदेमंद होगा। किसके लिए? प्रजाति के लिए या जीव के लिए? प्रजाति के लिए, ठीक है ना। एक प्रजाति के लिए, जैसे कि हम सारे इंसान हैं तो हम में से अगर एक इंसान भी बच जाए तो हमारी प्रजाति बचेगी कि नहीं? बचेगी ना। और वो सिर्फ वही इंसान या वही जीव बचेगा जो बहुत सारी विभिन्नताएँ लिए हुए होगा। क्लियर है ना। तो अलैंगिक जनन की सबसे बड़ी जो कमी आई वो यही कि अलैंगिक जनन के अंदर सारे के सारे जीव लगभग एक जैसे ही पैदा होते हैं, उनके अंदर विभिन्नताएं कम होती, ठीक है। और विभिन्नताएं कम होती है इसलिए उनके प्रजाति या उनकी जो जीव है वो ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते, ठीक है। इसलिए पुराने टाइम में जब जीवों का विकास हो रहा था उस वक्त जीवों ने अलैंगिक जनन की बजाय लैंगिक जनन करना स्टार्ट किया। अब लैंगिक जनन ही क्यों चुना? क्योंकि एक जीव के अंदर थोड़ी बहुत तो विभिन्नताएं होती हैं। सोचो अगर एक की बजाय दो जीव आपस में मिले तो एक इसकी विभिन्नताएं आएंगी, एक इसकी विभिन्नताएं आएंगी, और नया जीव बनेगा उसके अंदर विभिन्नताएं और भी ज़्यादा हो जाएंगी, जैसा हमने मेंडल के प्रयोग में देखा था, है ना। दो जीवों से आएगी तो जो नया जीव बनेगा उसके अंदर विभिन्नताएँ भी ज़्यादा होंगी, और विभिन्नताएँ ज़्यादा होंगी तो उस प्रजाति का जिंदा रहने का चांस भी ज़्यादा होगी। पता है मानव इस धरती के ऊपर कितने वर्षों से रह रहा है? लगभग अलैंगिक जनन के अंदर नर और मादा नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ एक जीव होता है और वो उसका पेरेंट होता है, ठीक है। यानी उससे वो पैदा होता है, बस। नर और मादा शब्द आते ही लैंगिक जनन के, अलैंगिक जनन के अंदर नर और मादा कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। इस बात से आपको बिल्कुल क्लियर कट रहना है कि नर और मादा उन्हीं दो जीवों का हमने नाम रख दिया है। जो लैंगिक जनन है ना उसके अंदर दो जीव होंगे ये हमें पता है, ठीक है। दो जीव है उनमें से एक का नाम हमने रख दिया है नर और एक का नाम हमने रख दिया है मादा। क्लियर है ना। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि नर किसको कहेंगे और मादा किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना था कि अलैंगिक जनन है उसकी उससे काम क्यों नहीं चला। तो उससे काम इसलिए नहीं चला कि उसके अंदर जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे, लगभग एक जैसे होते हैं, उस वजह से उनकी प्रजातियाँ वो ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए जीवों ने लैंगिक जनन है वो स्टार्ट किया होगा, ठीक है। अब लैंगिक जनन उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन कोई भी नई चीज़ अगर स्टार्ट होती है तो उसके अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम भी बहुत सारी आती है, समस्याएँ भी बहुत सारी आती है, ठीक है ना। अब एक समस्या मैं आपको बताता हूँ। जो अलैंगिक जनन था उसके अंदर मान लो ये कोशिका थी, उसके अंदर ये केंद्रक था, केंद्रक के अंदर एक डीएनए था, ठीक है। डीएनए से क्या बने? एक प्रतिकृति बनी, कॉपी बनी। कॉपी है वो तो अलग चली गई और जो ओरिजिनल है वो इसके अंदर रह गया, यही ना। यानी एक डीएनए तो इसके अंदर रह गया
और एक डीएनए की कॉपी वो बाहर चली गई और एक नया जीव बन गया। ठीक है, एक डीएनए की कॉपी बनी, कॉपी से एक जीव है वो तो अलग चला गया कॉपी लेके, और ओरिजिनल है उसने अपने पास रख ली। तो डीएनए दोनों के अंदर कितने कितने, एक एक ही है, यानी संख्या दोनों के अंदर बराबर है। क्लियर है ना, सबको ये चीज़ समझ में आ रही है? अगर डीएनए बराबर है तो इनके गुणसूत्र भी बराबर ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए है उसके अंदर ही होते हैं गुणसूत्र, या डीएनए से ही जुड़े होते हैं गुणसूत्र। क्लियर है इतना सबको? अब ये तो हुआ जब अलैंगिक जनन हो रहा था तब, लेकिन जब दो जीव है नर और मादा है तो एक डीएनए तो यहां से आएगा, एक डीएनए यहां से आएगा, आएगा कि नहीं? एक डीएनए नर से आया, एक डीएनए मादा से आया, यहां पे कितने हो गए? दो डीएनए। ठीक है, यानी जो इसके अंदर एक था उसके संतान के अंदर उससे दो गुने डीएनए हो गए ना। ये समस्या सबसे बड़ी आई क्योंकि अलैंगिक जनन के अंदर तो सीधा कॉपी बन रही थी और एक उसके पास रह रहा था, दूसरा नए जीव में ट्रांसफर हो गया और नया जीव बन गया डीएनए कॉपी के द्वारा, डीएनए प्रतिकृति के द्वारा। लेकिन यहाँ पे नर से एक डीएनए आया, एक मादा से एक डीएनए आया, ठीक है ना, और यहाँ पे हो गए दो डीएनए। और जब ये वाला बच्चा होगा, ये जब अपनी संतान उत्पन्न करेगा तो ये आगे कितने डीएनए भेजेगा, एक कि दो? एक्चुअल में ये दो भेजेगा अगर इसके पास दो होंगे तो, ठीक है ना, भेजता एक ही है, उसके ऊपर हम आते हैं अभी। क्लियर है ना, अगर सिंपल हम लॉजिक देखें, सिंपल सा लॉजिक देखें तो इसने अगर एक भेजा, इसने एक भेजा तो इनके बच्चों के पास दो डीएनए होंगे। एक मिनट ये तो समझो पहले, एक डीएनए इधर से आया, एक डीएनए इधर से आया, तो यहाँ दो हो गए। अब इसे आगे कितने भेजने चाहिए? दो इधर भेजने चाहिए, और एक इनका ही जो नर और मादा होगा दूसरा दो और भेज देगा, तो यहाँ पे चार डीएनए हो जाएंगे। यानी कि डीएनए है उनकी संख्याएं हर बार दोगुनी हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये समस्या आई जब लैंगिक जनन जीव शुरू कर रहे थे। क्लियर है ना, इसका अब सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो जीव है ना जिनको लैंगिक जनन करना है, वो क्या करते हैं, वो अपना एक अलग से एक कोशिका बनाते हैं और उस कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? ये नर है, मतलब प्रॉब्लम आपको समझ में आई? प्रॉब्लम तो ये आई कि डीएनए है वो दोगुने हो जा रहे थे संतान के अंदर, डीएनए उनके जो पेरेंट यानी कि माता पिता थे उनसे दोगुने डीएनए आ रहे थे, और अगर दोगुने डीएनए हर बार होंगे तो इस कोशिका के अंदर तो बहुत सारे डीएनए हो जाएंगे, और बहुत सारे हो जाएंगे तो ये कोशिका फट जाएगी, फट जाएगी मतलब जीव मर जाएगा, मरेगा कि नहीं, है ना, यानी कि नया जीव उत्पन्न ही नहीं होगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनने, नर और मादा की जो कोशिकाएं थी उन्होंने कैसे किया, तो उन्होंने ऐसे किया कि नर जो जीव था यानी एक जीव था, उसने भी क्या बनाया, एक ऐसी कोशिका बनाई वो सबसे अलग बाकी कोशिकाओं से। उस कोशिका के अंदर ये जो डीएनए था ना, ये सिर्फ आधा ही था, और इसमें भी डीएनए था वो आधा था। ये एक स्पेशल कोशिका बनी है नर के अंदर, एक मादा के अंदर। ये इस कोशिका को, ये नर वाली कोशिका और इसकी वाली कोशिका, इसी को हम बोलते हैं जनन कोशिका, ठीक है ना। ये जनन कोशिका जो बनती है हर जीव के अंदर, वो सब कोशिकाओं से अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि उसके अंदर आधा ही डीएनए है, ठीक है, और अगर डीएनए आधा है तो गुणसूत्र भी आधे। क्लियर है ना, ये चीज़ सबको समझ आई कि नहीं? हाँ, तो वो गुणसूत्र है वो आधे, इसीलिए होते हैं। ये प्रॉब्लम जो पहले प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम तो ये आई कि डीएनए डबल हो रहे थे। इस प्रॉब्लम का इन जीवों ने सॉल्यूशन कैसे किया, तो इन्होंने सॉल्यूशन किया, उन्होंने एक अलग से कोशिका ही बना दी, और उस कोशिका के अंदर बाकी कोशिकाओं से आधे ही डीएनए और आधे ही जीन, आधे ही गुणसूत्र, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं ये चीज़ सबको? हाँ, ये आधे डीएनए और आधे जीन है या आधे गुणसूत्र है, इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। इतना समझ में आया सबको? अब जो नर वाली जनन कोशिका है, जो नर वाली जनन कोशिका है उसे हम कहते हैं नर युग्मक। जो इस जीव ने, जो नर वाले जीव ने बनाई है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नर युग्मक वाली जो जनन कोशिका है उसका नाम हुआ। क्लियर है इतना सबको? अब जो मादा वाली कोशिका बनी है जिसके अंदर आधे ही डीएनए और आधे ही गुणसूत्र है, उसका नाम हुआ मादा
युग्मक। क्या इतना क्लियर है सबको? ये हर एक उस जीव के अंदर होगी जो लैंगिक जनन करेगा। क्लियर है ना? लैंगिक जनन हमेशा दो जीवों से होगा और दोनों जीवों के अंदर से एक एक जो जीव है वो नर युग्मक बनाएगा और एक जो जीव है वो मादा युग्मक बनाएगा। इन दोनों युग्मक की खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि इनके अंदर बाकी सारी कोशिकाओं से अलग आधे ही गुणसूत्र होते हैं और आधे ही डीएनए होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो लैंगिक जनन के अंदर थी। सबसे पहले हमने देखा अलैंगिक जनन की क्या प्रॉब्लम आई अलैंगिक जनन के अंदर, ठीक है? और अलैंगिक जनन के अंदर जो प्रॉब्लम आई उसी को सॉल्व किसने किया? लैंगिक जनन ने सॉल्व किया, ठीक है? और लैंगिक जनन जब जीव स्टार्ट कर रहे थे तो लैंगिक जनन में भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना? और वो प्रॉब्लम थी ये डीएनए हर बार डबल हो रहे थे। इसके अंदर भी एक ही कोशिका है, इसके अंदर भी एक ही कोशिका है, और दोनों सिर्फ एक कोशिका एक इधर से आई एक इधर से आई मिली और दोनों मिलके और फिर से एक कोशिका बन जाती है, ठीक है? दोनों आपस में मिलते हैं और एक कोशिका बन जाती है। नहीं, उस कोशिका के अंदर सोचो कितनी पावर या कितनी शक्ति रहती है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जिससे ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो एक दूसरे को, ये सिर्फ इसी से बनती है, ठीक है ना? तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि, और एक चीज़ और, ये नियम है प्रकृति का कि ऊर्जा जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। संरक्षित का मतलब है कि आप ऊर्जा को ना तो ख़त्म कर सकते ना आप उस ऊर्जा को बना सकते। वो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये प्रकृति का नियम है, जिसे हम एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे फिजिक्स आ गई है थोड़ी सी। अब ये चीज़ है ना, ये सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपके जीके के लिए, और आप थोड़े से अच्छे इंसान बन जाओ, जो मैं कह रहा था कि ये चैप्टर पढ़ते वक्त आपको अलग ही फीलिंग आएगी, समझना। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलके एक छोटी कोशिका होती है और उसी कोशिका से हम इतने बड़े बन जाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती होगी, क्योंकि हम छठे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोशिका के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जरूरी है। ऊर्जा के बिना तो काम ही नहीं कर पाएगी। छोटी सी कोशिका के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, इतना बड़ा जीव बनता है कि नहीं? ये इसका मतलब इस छोटी सी कोशिका के अंदर वो सारी ऊर्जा है, ठीक है, जो आपको इतना बड़ा बना सकती है। क्लियर है? इसका मतलब हमें इस ऊर्जा का, हमें या किसी भी जीव को इस ऊर्जा को संभाल के रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है ना? अब यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा। नर युग्मक मादा युग्मक किसको कहेंगे? तो जो एक कोशिकीय एक कोशिका बनी थी जो जिसके अंदर आधा ही डीएनए था और आधा ही गुणसूत्र था, उसको हमने नर युग्मक और मादा युग्मक नाम दे दिया है, ठीक है? अब इनसे एक बहु कोशिकीय जीव बनना है, जो नया जीव बनेगा वो इन दोनों से ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि इस नर युग्मक के पास भी कुछ ऊर्जा के लिए कुछ खाना पीना होना चाहिए और इसके पास भी होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ वो खाना है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाना भी चाहिए। क्लियर है ना? तो इनमें से नर युग्मक और मादा युग्मक में से जो ये मादा युग्मक, दोनों का काम बंट चुका है। मादा युग्मक यानी कि मादा वाली जो कोशिका है वो एक अलग काम करेगी, नर वाली कोशिका वो एक अलग काम करेगी। नर वाली जो कोशिका है उसका काम सिर्फ और सिर्फ गति करना होता है। गति का मतलब चलना, यानी कि ये जो पूरी कोशिका बनेगी उसको कहीं ना कहीं लेके जाना। क्लियर है ना? यह गति करने का मतलब है ये दोनों आपस में मिलकर तभी तो नई कोशिका बनाएंगे ना। तो इसका मतलब या तो इसको इसके पास चल के जाना चाहिए या इसको इसके पास चल के जाना चाहिए, तभी तो आपस में मिलेंगे। तो इन दोनों में से हमेशा नर युग्मक है ना, उस कोशिका का सिर्फ इतना ही काम है गति करना और गति करके इसके पास जा मिलना, ठीक है? तो बाकी की सारी ऊर्जा या बाकी का सारा खाना पीना उसकी व्यवस्था कौन करेगा? मादा ही। वो चलता नहीं है, वो गति नहीं करता है, वो क्या करता है? वो सिर्फ ये जो नर युग्मक इसके साथ मिलता है तो सारा खाना वगैरह इसके अंदर होता है। इसका काम है आके चल के मिलना और इसका काम है खाने को स्टोर करके रखना। और जब ये दोनों मिलकर जब नई कोशिका बन रही है तो उसको सबसे पहले खाना ही चाहिए होगा, वो खाना ये मादा युग्मक है ये देती है, ठीक है? और जो चीज़ चलती है या जो चीज़ हल्की फुल्की होती है वो पतली होती है कि मोटी? पतली। तो हमेशा नर युग्मक है ना वो कुछ पतला पतला सा रहेगा ऐसा, ठीक है? और ऐसे ही जो मादा युग्मक है वो खाना स्टोर करके रखता है, मोटा होना चाहिए उसको, तो वो कुछ ऐसा ऐसा रहेगा। क्लियर है? मादा युग्मक कुछ ऐसा रहेगा, नर युग्मक है वो कुछ ऐसा रहेगा। समझ आ रही है कि नहीं ये चीज़ सबको? क्यों ये पतले मोटे हैं? नर युग्मक का क्या काम है?
नर युग्मक का क्या काम है, मादा युग्मक का क्या काम है, क्लियर है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे मादा और नर युग्मक पौधों के अंदर और उसके बाद मानव के अंदर, क्लियर है सब। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन अपनाते वक्त जीवों को क्या समस्या आई और इसका समाधान कैसे हुआ, ठीक है। ये तो है सिंपल क्वेश्चन, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मतलब जो समस्या है वो क्वेश्चन में दे देगा वो, ठीक है ना। समस्या ये थी कि हर बार डीएनए की जो है वो संख्या है वो दोगुनी हो रही थी, गुणसूत्र और डीएनए की संख्या दोगुनी हो रही थी, ये तो समस्या आई। इसका क्या समाधान जीवों ने ढूंढा, हाँ, तो उन्होंने एक नई कोशिका बनाई जिसके अंदर डीएनए और गुणसूत्र की संख्या आधी आधी थी। ओह सॉरी, ये तीन क्वेश्चन मैंने एक के अंदर ही समेट दिया, ठीक है। आपसे अलग अलग पूछे जाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना।